नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टर्बो नेशन पर। तो भाई आज का टॉपिक जो है बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में यूज्ड कार जो लेने का प्लान कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी चूज करें। कई लोगों के मन में भाई बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई कौन से सेगमेंट पे जाना चाहिए, हमें किस बजट में जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर किसी यूज प्लेटफॉर्म से गाड़ी लेते हैं तो आप लोगों को 50,000 से लेके आप लोगों को 1-1.5 लाख रुपए तक गाड़ी महंगी मिलती है। एंड भाई कंडीशन अगर आप लोगों को चेक करनी नहीं आती है तो भाई थोड़ी बहुत नॉलेज ले लीजिए एंड हमारे वीडियोस देखते रहिए कि गाड़ी सेकेंड हैंड चेक करें कैसे, किस तरीके से चेक करें एंड कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई कि कौन से सेगमेंट लेना चाहिए, किस प्राइस रेंज में कौन सी गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है देखने के लिए। एंड भाई सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप लोग किसी यूज़ प्लेटफॉर्म से लेते हैं वहाँ थोड़ी महंगी तो आप लोगों को गाड़ी मिलती ही है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं भाई अपने सामने की गाड़ी देखी हुई लेना तो किसी भी यार दोस्त के आपके नॉलेज में आसपास कोई गाड़ी बिक रही हो, कम चली हुई हो, जिसकी आप लोगों को हिस्ट्री पता है तो उस गाड़ी को आप लोग पहले प्रेफर कर सकते हैं जिस चीज़ पे आप लोगों को ट्रस्ट हो। क्योंकि आजकल यूज्ड कार मार्केट में भाई बहुत गाड़ी एक्सीडेंटल पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बट हम आपके साथ हैं, प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। एंड अगर भाई आप लोग कंफ्यूज हैं कौन सी गाड़ी लें एंड कौन से सेगमेंट पे जाने चाहिए, न्यू या यूज्ड कार लेनी चाहिए, तो और नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग सजेशन ले सकते हैं। हमारे पे इंस्टा आईडी हमारी आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है भाई जिन लोगों का भाई बजट है 1.5 से 2.5 लाख का, जो भाई आजकल बहुत कॉमन रहता है 1.5 से 2.5 लाख रुपए का बजट, तो उनके लिए कौन सी बेस्ट गाड़ी होने वाली है। जो भाई चाहते हैं कि साल दो साल हम गाड़ी ले भी लें, थोड़ा बहुत हमारा काम चल जाए एंड भाई ज़्यादा मोटा खर्चा गाड़ी ना मांगे, तो भाई फर्स्ट नंबर पर आती है मारुति सुजुकी वैगन आर गाड़ी, जो कि भाई लोग थोड़े से कम पसंद करते हैं बट सबसे अच्छी गाड़ी रहने वाली है। क्योंकि भाई स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है गाड़ी में एंड भाई बहुत ही कम छिड़ी छाड़ी गाड़ी मिलती है आप लोगों को वैगन आर। एंड सही बताऊं तो आप लोगों को भाई अच्छे से आप चेक करें और मेंटेन गाड़ी मिलती है वैगन आर, तो आप लोगों को भाई लंबे समय तक काफ़ी अच्छा साथ देने वाली है वैगन आर। एंड सेकेंड अगर गाड़ी की अगर मैं बात करी जाऊँ तो थोड़ा सा अगर आप लोगों का बजट भाई 3.5 लाख तक का है तो आपके लिए 2-3 ऑप्शन एक और खुल जाते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं i10, जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन वाला आता था, वो भी आप लोग जो है कापा मॉडल ही लें, क्योंकि जो नॉन कापा मॉडल था उसकी एवरेज थोड़ी सी कम मिलती है गाड़ी में, तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाएंगे गाड़ी को एवरेज को लेकर। एंड सेकेंड हमारे पास भाई मॉडल खुल जाता है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि भाई पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में रहती है गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छा है, माइलेज शो करती है गाड़ी एंड इजी टू ड्राइव है, कहीं भी नॉन मेंटेनेंस गाड़ी है, तो आप लोग भाई मारुति सुजुकी स्विफ्ट पर भी जा सकते हैं। एंड थर्ड हमारे पास आ जाती है भाई ग्रैंड i10, ग्रैंड i10 भी आप लोग भाई प्रेफर कर सकते हैं गाड़ी। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि भाई ग्रैंड i10 एंड XN के डीजल मॉडल को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, i10 के आप पेट्रोल मॉडल को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो इस प्राइस रेंज में भाई हमारे पास आ जाती है आपकी, एक तो स्विफ्ट बोल दी हमने एंड दूसरी ग्रैंड i10 आप लोग ले सकते हैं। एंड अगर एक i20 का भाई फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन मॉडल भी आपको मिल जाएगा i20 का, तो वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, काफ़ी पंची गाड़ी है एंड भाई काफ़ी आप लोगों को इजी टू ड्राइव करने के लिए मिलेगी गाड़ी एंड काफ़ी मज़ा आएगा आपको चलाने में। एंड सेकंड अगर बात करी जाए तो भाई एक गाड़ी हमारे पास और आ जाती है होंडा सिटी iVTEC, जो मॉडल आते थे वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है एंड इजी टू ड्राइव रहने वाली है गाड़ी एंड भाई नॉन मेंटेनेंस गाड़ी है एंड होंडा के इंजन काफ़ी रिलायबल होते हैं और काफ़ी लॉन्ग चलते हैं। एंड एक गाड़ी आप लोगों को और मिल जाती है अच्छे सी सेगमेंट से डान में, टोयोटा कोरोला ऑल्टिस, जो कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में गाड़ी बहुत बिकती है, बहुत अच्छी गाड़ी है, सही बताऊं तो इजी टू यूज, बहुत अच्छा पावर पिकअप है एंड भाई टोयोटा की गाड़ी तो आपको पता ही नॉन मेंटेनेंस गाड़ी होती है। एंड अगर बात करी जाए तो भाई जिनका बजट 3.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक है, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करी जाऊँ तो भाई एलीट आई ट्वेंटी गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी रहने वाली है, डीजल पेट्रोल दोनों में आप लोग गाड़ी ले सकते हैं। थोड़ा सा भाई यही गुजारिश है, गाड़ी अच्छे से पहले चेक करिए, ऐसे एकदम से चमकती धमकती गाड़ी ना लें, पहले इंजन बॉडी लाइन गाड़ी का एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी जो अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ी थोड़े समय में दिक्कत देने लगती है। तो गाड़ी भाई जब आप इतनी आपकी जमा पूंजी इन्वेस्ट हो रही है तो भाई बहुत अच्छे से गाड़ी को चेक करें, उसके बाद ही कुछ इन्वेस्ट करने की सोचें आप लोग गाड़ी पे। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाती है हमारे पास एलीट आई ट्वेंटी।
एंड सेकंड आ जाती है भाई स्विफ्ट। स्विफ्ट के भाई ऊंचे मॉडल आराम से मिल जाते हैं, 18, 19, 20 मॉडल, जो कि भाई लो मेंटेनेंस कार है, रहने वाली है हमारी। एंड स्विफ्ट डिज़ायर भी अच्छी मिल जाती है हमारे को इसमें। एंड अगर बात करी जाए तो भाई यहाँ पर हमारा एक होंडा सिटी जो फोर्थ जनरेशन मॉडल आता है, वो भी आपको भाई 3.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए की रेंज में बहुत अच्छे कंडीशन में मिल जाता है। एंड होंडा सिटी अपने नाम की भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। एंड भाई नॉन मेंटेनेंस इंजन रहता है होंडा का, बहुत अच्छी रिलायबल गाड़ी भी कही जाती है होंडा सिटी को। एंड सेकंड है भाई हमारे पास, अगर आप लोग भाई लेना चाहते हैं, मारुति सुजुकी सियाज गाड़ी, जो कि कहीं काफ़ी अच्छी रहने वाली है, वीआईपी गाड़ी है। एंड भाई काफ़ी सारे ऑफिस में, गवर्नमेंट सेक्टर में चल रही है गाड़ी, बहुत अच्छे स्पेसियस है। बूट स्पेस से बात की जाए, सेकंड रो से या फर्स्ट स्पेस से, मैंने खुद ओन करी है मारुति सुजुकी सियाज, तो कोई कंप्लेंट मेरे को गाड़ी में देखने को नहीं मिली। एंड अगर बात करी जाए तो भाई सेडान सेगमेंट पे हमारे पास होंडा सिटी और सियाज आ गई। एंड एक और ऑप्शन भी आ जाता है भाई, जो अगर MUV वगैरह लेना चाहते हैं जो भाई लोग, तो हमारे पास एक नया ऑप्शन खुल जाता है मारुति सुजुकी अर्टिका, जो कि भाई आपको 18 मॉडल के अराउंड मिल जाता है हमारे को, 6.5, 6, 7 तक का, बहुत अच्छी कंडीशन में, तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। एंड अगर बट थोड़ा बजट कम है आप लोगों का, तो एक होंडा BRV गाड़ी आती थी जो 7 सीटर में रहती थी, बहुत पंची इंजन मिलता है, होंडा सिटी वाला ही IVTEC इंजन मिलता है 1.5, एंड भाई IDTEC इंजन भी मिलता है डीजल में, तो माइलेज भी बहुत अच्छी रहती है गाड़ी की। एंड जो भी अगर लोग NCR में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं एंड थोड़े गांव के एरिया में हैं और गाड़ी लेना चाहते हैं बड़ी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है टोयोटा इनोवा भाई। 13-14 मॉडल आप लोगों को मिल जाता है, 13-14-15 मॉडल मिल जाता है 7 के आसपास का, जो कि भाई सबसे रिलायबल गाड़ी मानी जाती है। तो भाई 4-4 लाख भी इंजनों का इंजन कुछ भी नहीं बोलता है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 4 लाख चली हुई इनोवा लें, तो भाई सर्विस रिकॉर्ड वाली गाड़ी लें, मेंटेन गाड़ी लें, तो इनोवा गाड़ी बहुत बेस्ट इन क्लास रहने वाली है कंफर्ट के हिसाब से एंड 7 सीटर ऑप्शन के हिसाब से। तो 7 सीटर में हमारे पास भाई अर्टिका आ जाती है, यहाँ पर होंडा BRV आ जाती है, एंड हमारे पास आ जाती है मारुति सुजुकी सियाज गाड़ी, एंड हमारे पास आ जाती है अर्टिका गाड़ी। तो 3 7 सीटर हमारे को यहाँ पर MUV मिल जाती है। एंड एक अगर मैं बात करी जाऊँ तो हमारे को एक गाड़ी और मिल जाती है, होंडा WRV गाड़ी, जो कि भाई सनरूफ में छोटी सी है, पॉकेट फ्रेंडली, बहुत प्यारी गाड़ी लगती है देखने में, बहुत चलाने में अच्छी गाड़ी फील होती है, तो आप लोग WRV को भी ऑप्शन में ले सकते हैं। एंड अगर बात करी जाऊँ तो भाई जिनको भाई बिल्कुल ही अपडेट मॉडल चाहिए, तो भाई हमारे को यूज्ड ओल्ड टाइगर गाड़ी, तो भाई ये मॉडल भी हमारे को 5 से लगते लगते मिल जाते हैं, जो कि भाई बहुत ही कम बजट में एंड अच्छी गाड़ी मिल जाती है हमारे को, निसान माइक्रा एंड काइगर भी 21-22 मॉडल आपको मिल जाएंगे 5 से लगते लगते, तो बहुत अच्छा रेट लगता है गाड़ी का अगर ये लेना चाहें तो। बहुत कम चली हुई लोग लेते हैं, कई लोगों को क्या होता है गाड़ी चलाने के बाद समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा पावर फीलिंग कम लगता है, या उनके जो जिस चीज़ का पर्पज़ था उस पर्पज़ को ना नहीं लेते वो लोग गाड़ी, तो उनको गाड़ी चेंज करनी होती है, तो काफ़ी टाइम पे भाई गाड़ी लोग कम चला के भी सेल कर देते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है इस यूज्ड कार को लेकर। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात कर जाऊँ तो बहुत ऊंचे सेगमेंट पे जाते हैं हम लोग, बहुत ऊंचे की बात तो नहीं करते, जैसे भाई अगर जिनका बजट काफ़ी अच्छा खासा है, नई गाड़ी नहीं लेना चाहते, यूज्ड कार पे जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई 2-3 साल में अगर जो वो लोग चेंज कर देते हैं गाड़ी, तो नई गाड़ी और यूज्ड कार लेने में भाई बहुत ज़्यादा पैसों का डिफरेंस आ जाता है। तो भाई उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ, अगर जैसे 2024 में आप लोग गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो अगर आपको 22-23 मॉडल भी मिल जाता है, तो जैसे अगर हम सपोज मैं इस एग्जांपल लेता हूँ स्कॉर्पियन का, तो स्कॉर्पियन जो गाड़ी है भाई, टोटल जो हमारा ZTL सेलेक्ट ऑप्शन आता है 4 Explorer वाला टॉप मॉडल, तो भाई अराउंड 29 लाख रुपए गाड़ी ऑन रोड कीमत है गाड़ी की स्कॉर्पियन की, वो स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत भाई मनी का ऊपर नीचे आ जाता है, बट क्या करें अगर यही यूज्ड कार मार्केट में अगर आप जाएं, तो 23 मॉडल स्कॉर्पियो है ना, आपको टॉप मॉडल लगभग भाई 24 लाख का मिल जाएगा, तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, सीधे सीधे हमारे 5 लाख रुपए सेव होगा, तो बहुत अच्छा ये फायदे का सौदा मिलता है। सेकंड अगर हम बात करें भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, तो काफ़ी लोगों का भाई सपना होता है फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेने का, तो भाई बंदे 55 लाख रुपए की भी लेते हैं गाड़ी, बट क्या होता है काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है भाई यूज्ड कार मार्केट में, अगर 23 मॉडल फॉर्च्यूनर भी लेते हैं आप 22 एंड या 23 का भी, तो भाई आपको 45 लाख के आसपास की आराम से फॉर्च्यूनर मिल जाती है, तो सीधे सीधे क्या हो गए 10 लाख मोटे मोटे आपके सेव हो गए, तो भाई 10 लाख में तो 2-3 कारें और आ जाएंगी बढ़िया बढ़िया। तो और अगर मैं बात करी जाऊँ तो
क्रेटा जैसे सेगमेंट की। तो 10 लाख से ऊपर के सेगमेंट में अगर आप यूज कार मार्केट में जाते हैं तो आपको भाई दो तीन साल चली हुई क्रेटा नया जो फेस लिफ्ट था इससे जस्ट पुराना वाला वो भी बहुत मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन रहता है। बहुत अच्छी है गाड़ी चलाने में, डीजल बहुत अच्छा पंची फील कराता है एंड एवरेज के मामले में भी बहुत अच्छी है क्रेटा। तो जो भी भाई भाइयों का गाड़ी लेने का प्लान बन रहा है एंड यूज कार मार्केट में जाना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कौन सा सेगमेंट लेना चाहिए, कंफ्यूज है गाड़ी को लेके कौन सी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या कहीं भाई घबराते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, तो भाई अगर आप लोगों को सजेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भाई आप सजेशन ले सकते हैं। आपको 48 घंटे के अंदर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा एंड मेरी आईडी पे बहुत सारी कार्स वगैरह एंड आप लोगों को जो नॉलेज शेयर होती हैं उस पर, तो आप लोग आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसमें का कोई इशू नहीं रहेगा। आप लोगों को 48 घंटे के अंदर मैसेज मिल जाएगा। जो भाई कंफ्यूज है नई गाड़ी लेने के लिए एंड सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है, कौन सी सही है कौन सी नहीं है, क्या आपका यूज टू है, गाड़ी सारी सही होती है बट आपके किस पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए चाहिए आपको गाड़ी, कहाँ ले जानी है। कोई लोग ऑफ रोडिंग लवर होते हैं, कोई सी गाड़ी ले लेते हैं, डिफरेंशियल लॉक वाली नहीं लेते हैं, तो सस्पेंशन ट्रैवल देखते हैं, क्या पर्पज है गाड़ी का। तो भाई आप लोगों को सजेशन दिए तो हम लोग आपको जरूर सजेस्ट करेंगे एंड यूज कार मार्केट में भाई कैसे आप लोग फ्रॉड डीलर से बचें एंड कैसे ठुकी पिटी गाड़ी एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल की जानकारी लें, तो भाई ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव आती रहेगी आप लोगों के लिए, जिसमें भाई चेक कराएंगे पूरा कि यूज कार मार्केट में कैसे फ्रॉड होने से बचें एंड कैसे अपने लिए बेस्ट कार छान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए टर्बो नेशन चैनल पर। धन्यवाद।